तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, आपको प्रीव्यू देखने के बाद कैसा लगा? लगा ना कि ऐसा वीडियो मुझे भी क्रिएट करना चाहिए? टेंशन नहीं लेना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह के वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है। सो गाइस, इस तरह के वीडियो को बोलते हैं हाइपरलैप्स वीडियो, ठीक है? तो हाइपरलैप्स वीडियो क्रिएट करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके लिए दो ऐप का यूज़ करेंगे, एक फोटोज का और सेकेंड जो ऐप आएगा वो है VN वीडियो एडिटर। अभी के टाइम में बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप है। इन्हीं दो ऐप्स की मदद से हम इस तरह के वीडियो को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए कर दीजिए, और अगर इसी तरह के कंटेंट चाहिए तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे के स्टेप को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने कैमरे को ओपन करना है। कैमरे को ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ पे ग्रिड लाइंस को ऑन कर देना है। ग्रिड लाइंस को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन वर्टिकली और तीन हॉरिजॉन्टली लाइन आ गया है, ठीक है? ये बहुत ही हेल्प करता है जब आपको इस तरह का वीडियो बनाना हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है टाइम लैप्स का, तो टाइम लैप्स ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? टाइम लैप्स ऑप्शन को चूज़ कर लिए, और हमारा सब्जेक्ट ये देख रहे हैं बीच में जो पेड़ दिख रहा है वो रहेगा, और वो रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीच वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसके हम बीच सेंटर में उसको मैं रखता हूँ, ठीक है? आपको कैमरा को ऑन करना है और धीरे 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 आपको बढ़ते जाना है। याद रहे कि ये जो कैमरा का जो एंगल है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को इधर उधर फ्रेम से नहीं जाने देना है। जैसे कि अभी बीच में है उसी तरह से आपको रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे चलता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ से धीरे धीरे मैं चलूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा फाइनल शूट किया हुआ वीडियो, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है, ठीक ना? एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अलावा फ्रेम में कोई और चीज़ नहीं आना चाहिए, यानी कि उतने बड़े साइज़ में दूसरा चीज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो वीडियो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे आप इसे एडिट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए फोटोज़ ऐप, ठीक है? ये ऐप हर किसी के मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर से फ़ोटोज़ लेके यही आइकन वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका जो वीडियो रहेगा वो फर्स्ट में ही दिख जाएगा, तो उस वीडियो पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखाने लगेगा। तो ये देख रहे हैं कितना हिल डुल रहा है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इस पर क्लिक करना है। कहीं पे भी नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है आपको। एडिट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए कुछ प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए एक स्टेबल का एक आइकन आपको दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, या जब तक के स्टेबलाइजिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक के आपको वेट करना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, यहाँ पे देखिए ब्लू टिक भी आ चुका है। अब थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से चला के देखते हैं, आप देख सकते हैं कितना स्टेबल हो चुका है। पहले कितना ज़्यादा हिल डुल रहा था, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ से सेव कॉपी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऑलमोस्ट वीडियो सेव हो चुका है, यहाँ पे देखिए सेव्ड का मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास VN वीडियो एडिटर है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमारा वो वीडियो दिख जाएगा। यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वीडियो है 1 मिनट 18 सेकंड का, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मैं इसको प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही स्टेबल वीडियो है। तो इसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक ना? तो इसको हम यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रेगुलर पर क्लिक करेंगे। रेगुलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पीछे साइड अगर आप जाइएगा तो स्लो मोशन होगा, अगर आप आगे साइड जाइएगा तो ये फास्ट मोशन होगा। तो यहाँ पे मैं आगे साइड करके देखता हूँ, ये देखिए सबसे एटैक्स कर देते हैं, ठीक है? एटैक्स करना है, यहाँ से राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। अब देखिए 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं 9.75 सेकंड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा हिल डुल रहा है, ठीक ना? स्टेबल नहीं है। फिर से यहाँ से क्या करेंगे, ये एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने वीडियो को सेव करेंगे। तो यहाँ से सेव टू एल्बम कर देंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर से फोटोज ऐप को ओपन करेंगे,
फोटोज ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में वही वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा 9 सेकंड के। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर कहीं पे भी टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्टेबल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। हमारा वीडियो स्टेबल हो चुका है, फिर यहाँ से सेव एंड कॉपी कर लेंगे। यहाँ से बैक आ जाते हैं, फिर से VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे और यहाँ से वही 9 सेकंड वाला वीडियो को फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ मैं इसे जैसे ही प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हिल डुल रहा है, तो जहाँ से हिल डुल रहा है वहाँ से कट करके इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हिल डुल रहा था फ्रेम में ऑलरेडी, इसके वजह से यहाँ पे भी हिल रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। तो आपको मैक्स शेयर को बहुत ही स्टेबल वीडियो बनाना है, बहुत ही ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। अब ये हमारा फाइनल आउटपुट रहा, ठीक, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेगुलर पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 4, यहाँ से 4 या 5 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनल रिजल्ट, ठीक है, इस तरह का कुछ दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए 2 क्लिप हो चुके हैं हमारे पास, तो एक क्लिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में आन के, यहाँ पे सबसे लास्ट में आना है, यहाँ पे देखिए रिवर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे इसको फुल प्ले करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं क्या मस्त लुक आ रहा है। पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट आ गया लुक। अब इसमें आप कहीं से भी म्यूज़िक को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे म्यूज़िक वाले पर क्लिक करना है, यहाँ से म्यूज़िक को ले लेना है और यहाँ से किसी भी आप म्यूज़िक को यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूज़िक को ले लिए हैं। यहाँ पे म्यूज़िक को लेने के बाद अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, म्यूज़िक के बीट के हिसाब से आप अपने वीडियो को एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करना है, क्या आपको रेजोल्यूशन चाहिए, HD चाहिए, 2K चाहिए, 4K चाहिए। यहाँ से FPS सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से आपका वीडियो सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। वीडियो को सेव होने देते हैं, इसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह के वीडियो को क्रिएट करना सीख गए होंगे। सो गाइस, इसी तरह के और भी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।